वर्ल्ड कप में भारत के पाकिस्तान पर लगातार विजय, 8 मैचों की रोमांचक कहानी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला हमेशा से ही दर्शकों के बीच भारी उत्साह और रोमांच का कारण रहा है। दोनों देशों की टीमों के बीच अब तक 8 वनडे वर्ल्ड कप मैच हुए हैं और इनमें से हर एक मैच ने क्रिकेट प्रेमियों को एक अलग अनुभव दिया है। इन मुकाबलों के दौरान भारतीय टीम ने अपने पड़ोसी के खिलाफ जीत का सिलसिला बनाए रखा है। आइए जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुए कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप मैचों के बारे में। इसमें सबसे पहला है 1992 वर्ल्ड कप सिडनी का। पहली बार भारत और पाकिस्तान का सामना वर्ल्ड कप में 1992 में हुआ था। सिडनी के SCG ग्राउंड पर खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर के नाबाद 54 रनों की मदद से 216 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 173 रन पर आउट हुई। भारत ने 43 रन से जीत दर्ज की और इस मैच में तेंदुलकर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अब बात करते हैं 1996 वर्ल्ड कप बेंगलोर की। इस बार क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के 93 रनों की मदद से 287 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम को अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद की गेंदबाजी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने 39 रन से जीत हासिल की और सिद्धू मैन ऑफ द मैच बने थे। चलिए अब बात करते हैं 1999 वर्ल्ड कप मैनचेस्टर की। इस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को 47 रन से हराया था। भारत ने 227 रन बनाए थे और पाकिस्तान की पूरी टीम 180 रन पर आउट हो गई थी। वेंकटेश प्रसाद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। चलिए अब आगे जानते हैं 2003 वर्ल्ड कप सेंचुरियन की। तो सौरभ गांगुली की कप्तानी में भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने सईद अनवर के शतक की बदौलत 273 रन बनाए थे, लेकिन भारत ने 45.4 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। सचिन तेंदुलकर ने 98 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने थे। अब आगे बात होगी 2011 वर्ल्ड कप मोहाली की। तो सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। भारत ने 260 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम 231 रन पर आउट हो गई थी। सचिन तेंदुलकर ने 85 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने थे। भारत ने इस जीत के साथ ही वर्ल्ड कप फाइनल में प्रवेश किया था और अंततः खिताब भी जीता था। 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड की बात करें तो इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से हराया था। भारत ने विराट कोहली के शतक की बदौलत 300 रन बनाए और पाकिस्तान की टीम 224 रन पर आउट हो गई थी। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। ये बात करते हैं 2019 वर्ल्ड कप मैनचेस्टर की। भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से हराया था। भारत ने 336 रन बनाए जिसमें रोहित शर्मा ने 140, लोकेश राहुल ने 57 और विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान ने संशोधित लक्ष्य को पूरा नहीं किया और 212 रन पर ऑल आउट हो गई थी। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं 2023 वर्ल्ड कप अहमदाबाद की। हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे। भारत ने 30.3 ओवर में 192 रन बनाकर मैच जीत लिया था। रोहित शर्मा ने 86 रन की पारी खेली और श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए थे। इन मैचों में भारत और पाकिस्तान के बीच की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विताओं को दर्शाया गया है, जिसमें हर एक मुकाबला अपने विशिष्टता और रोमांच के लिए जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं इन मैचों की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो उसमें सबसे पहला है अनिल कुंबले का परफेक्ट 10। अनिल कुंबले ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रख दिया था। इस मैच में भारत पाकिस्तान को 212 रन से हराया। वहीं 1999 का कोलकाता टेस्ट, ये मैच विवादों के लिए जाना जाता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर के रन आउट होने पर बड़ा बवाल हुआ था। अंततः पाकिस्तान ने ये टेस्ट 46 रन से जीत लिया था। मियां दाद का आखिरी बॉल पर छक्का। शारजाह में खेले गए ऑस्ट्रेलियाई कप मैच में जावेद मियादांद ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। चलिए अब बात करते हैं 125 रन बनाने के बाद भी जीत। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने महज 125 रन बनाकर पाकिस्तान को 87 रन पर आउट कर दिया था। इस मैच में आमिर सोहेल को स्लेंजिंग के जवाब में वेंकटेश प्रसाद ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था। सचिन तेंदुलकर का बल्ला 2003 सेंचुरियन में सचिन तेंदुलकर की 98 रनों की पारी ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाई थी।
पाकिस्तान में पहली जीत 2004 में। भारत ने पाकिस्तान की धरती पर पहली बार टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज जीते थे। पहली T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बॉल आउट में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की जमी पर 309 रन की पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। भारत ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से हराया और वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा किया। ये मुकाबले और घटनाएं क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इनमें से आपके कौन फेवरेट खिलाड़ी हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।